ऑनेस्टली ये चलाना आपने, पठान पठान को देता है, पंजाबी पंजाबी को देता है, सिंधी सिंधी को देता है। हमारी गली आपको तो चलाओ, आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अपनी अच्छा। हम अपने रोजी बेट बच्चों के लिए खिलाऊं। हाँ। ये काम करूं। वो डीसी को देना है 804 केडी नंबर 804 केडी नंबर 804 बोलिए। वो खंबा खड़ा करेगा, वो पुतला खड़ा करेगा, ये पुतला है ना, इसको बोलेगा ना मैं उसी को डालूंगा। जो एक बाय अख्तियार आदमी था उसको तो इन्होंने साइड लगा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राम लाइट्स आस विद के आर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान काशिफ रफीक, और आप मेरे कम में देख रहे हैं शाइन आर्किड की मार्केट में मैं मौजूद हूँ। हम यहाँ जानने के लिए निकले हैं अवामी राय कि इलेक्शन 2024 में लोग किसको वोट देना चाहते हैं, किस पार्टी को अपने हैदराबाद की हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो आइए नाज़रीन देखते हैं कि हैदराबाद की आवाम किसको वोट देना चाहती है। इंशाल्लाह ताला हक और सच वाले को डालेंगे। हक और सच में कोई नजर आया अब तक? आप बिल्कुल है, बता दीजिए नाम। जरूरी नहीं है। अच्छा, नाम बताना नहीं चाह रहे हैं आप। थोड़ा अच्छा चलिए, बता दीजिए 2018 में किसको वोट डाला था? इमरान खान को डाला था। बिल्कुल डाला। तो मैं इससे कोई तशबीह ले सकता हूँ आपके वोट की? इंशाल्लाह आगे भी उसी का ही होगा। अच्छा अच्छा, और अगर नहीं ऐसा हो पाता इस इलेक्शन के अंदर तो फिर क्या करेंगे? वोट ही नहीं डालेंगे। मैं किसी को वोट नहीं वजह बस मैं वोट कास्ट करता ही नहीं, सब चोर हैं। कुछ तब्दीली होनी चाहिए ना। अच्छा, कुछ नया होना चाहिए। तो पिछले 2018 में भी तब्दीली हुई थी? वो तो हुई थी, लेकिन अब कुछ नया होना चाहिए। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, आजकल हर चीज जो है ना आगे से आगे होनी चाहिए। ठीक है, कुछ नया चाहते हैं। अगर वो नहीं आ पाते और उनको नहीं नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अगर नहीं फॉर सपोज अगर हुकूमत इजाजत नहीं देती है तो फिर किसको? मायूसी होगी, वोट किसी को नहीं डालेंगे। नहीं, कोई वोट नहीं डालेंगे। वोट अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन अभी सूरत हाल देख कर उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। जिसको सब डालेंगे। ऑनेस्टली ये चलाना आपने, वोट उसी को देना है जिसका हक है। यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा हूँ, अजान हो रही है, मुझे सारा शौर है। अगर अभी भी मुझे वहाँ नहीं डालना चाहिए तो मेरे को जीने का भी हक नहीं है मेरे भाई। वोट उसी को देना है 804 केडी नंबर 804 को देना है। वो खंबा खड़ा करेगा, वो पुतला खड़ा करेगा, ये पुतला है ना, इसको बोलेगा ना मैं उसी को डालूंगा। एमकेएम पाकिस्तान को? एमकेएम पाकिस्तान को। किसको वोट डालेंगे भाई? सर इमरान खान को। मैं बलोच, लेकिन मैं नहीं मानता किसी पार्टी को, किसी को भी नहीं मानता। अच्छा, क्या चीज़ है उसने जिसने आपको इमरान खान को वोट डालने के लिए रागिब किया है? क्योंकि उसने अवेयरनेस जो है पैदा की है लोगों के अंदर। सारी कौमें जब अपनी जबान को वोट देती हैं तो मैं भी अपनी जबान को छीन लूँगा। पठान पठान को देता है, पंजाबी पंजाबी को देता है, सिंधी सिंधी को देता है, तो मुझे क्या बुराई है? आपके हलके के जो एमपी और एमएनएज हैं एमकेएम पाकिस्तान के, उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल 100% है, बल्कि बेचारे स्ट्रगल करते हैं बहुत ज़्यादा अपनी महदूद वसाइल में रहते हुए। बस बात ऐसी है कि सबको पता है किसने जो ना क्या किया है। हल्का तो उनका भी है, तो काम आपके सामने है सबके सर, लेकिन वोट इमरान खान को। वोट जो आवाम के मसले हल करेगा। अभी तक कोई नज़र आया आपको ऐसा मसले हल करने वाली शख्सियत? उम्मीद है कोई आ जाए। इमरान खान को। इमरान खान को आप भी मुतमईन नहीं है? नहीं, मुतमईन नहीं है यार। वोट तो यार मसला है, कश्मीरी यार अभी तक कोई तय नहीं किया। हमारा तो असल में कोई तरीके का सिस्टम ही नहीं है, तो ये हो जाए। जो भी है वक्त आगे देख लेंगे क्या करना है। अच्छा, 2018 में डाला था वोट? हाँ। अच्छा, उस वक्त किसको डाला था आपने? जवाब को। किसी को भी नहीं डालना भाई वोट तो। किसी को सबसे नाराज़ हो, सारी पार्टी से नाराज़ हो। वोट यार इस दफा सोच के देंगे, इंशाल्लाह पीटीआई को डालेंगे। किसको जाता है? किसको जाता है? एमकेएम को। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो जाहिर है ये हल्का तो साबिर हुसैन कायम खानी साहब का, तो कुछ लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं कराया हमारा वोट पीटीआई को। आप बताएं, आप कह रहे हैं एमकेएम को वोट डालें? आवाज में जितने भी रोड बने हैं सारे साबिर भाई के उससे बने। इंशाल्लाह ताला पीटीआई को 2018 में पीटीआई को डाला था? 2018 में पीटीआई को डाला। अच्छा, अगर उनको हुकूमत इजाज़त नहीं देती है तो फिर आप किसको वोट डालेंगे? कोई और पार्टी है? फिर उसके अगेंस्ट जमात इस्लामी है। इमरान खान। इमरान खान 2018 में भी इमरान खान को ही डाला था वोट? एमकेएम पाकिस्तान यहाँ पर इस हल्के के अंदर इतना काम कराती है, उसको वोट आप नहीं डालते? कौन सा काम करा दिए? कौन से काम करा दिए? इस पूरी मार्केट में तो बहुत सारे लोगों ने कहा है मुझे तो। अच्छा, जो रिकॉर्ड हुआ है कि सारे रोड जो बनाए साबिर हुसैन कायम खानी साहब ने बनाए, नदीम सिद्दीकी साहब ने बनवाए। कितने दिन चलता है? नहीं, एक दो साल, तीन साल, चार साल, वो बारिश होती है खत्म हो जाता है वो। यार वोट तो हमने पतंग को दिया है हमेशा से। 2018 में पतंग को दिया था? 2018 में पतंग को दिया था। वोट खान साहब,
एमकेएम को जी। अच्छा, इससे पहले वोट कास्ट किया है आपने 2018 में? एमकेएम को डाला शुरू से लेके एंड तक, पूरी तरह उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है आप जी? पीटीआई वोट अपने आप को, तो आप अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे? अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे सर। महाजिर हैं सर, इंशाल्लाह आप मुत्तेजा को डालेंगे? यार वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ को ही डालेंगे। वोट जो है वो उसको पीटीआई को देंगे, इमरान खान। आप पीटीआई को देंगे? अच्छा भाई आप? हम भी पीटीआई को। अच्छा अच्छा, दो जो हैं वो पीटीआई के और एक नून के। आ जाएं जी, आगे आ जाएं। वोट डालेंगे पीटीआई को। नहीं तो पीर बघारा को डालेंगे। पीर बघारा को डालेंगे जी, देखो अकाउंट उसी का है। अच्छा नहीं, अच्छा किस हलके से ताल्लुक है, कहाँ से ताल्लुक पुराना है? आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? सांगर से। सांगर से ताल्लुक है, तो वहाँ पर वो उनका हलका लगता है? हाँ वही होता है। उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं पीर बघारा साहब की? हाँ बिल्कुल मुतमईन है भाई। यार वोट अब किसको डालेंगे? वोट तो मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी जमात है नहीं जिसको वोट डाला जाए। जो एक बाय अख्तियार आदमी था उसको तो इन्होंने साइड लगा दिया। किसी पार्टी से हमदर्दी है? बता तो रहा हूँ मैं, जिस एक थी हमदर्दी किसी दौर में किसी जमात से, लेकिन अब तो मैं समझता हूँ कि आप देख लें ना, सेटलमेंट्स हो रही हैं, इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं, सिलेक्शन हो रही है। सिलेक्शन से मुराद ये कि अभी आप, मैं कोई बहुत मुश्किल बात नहीं कर रहा, बहुत आसान बात कर रहा हूँ, आप किसी 14-15 साल के बालिग बच्चे से भी जाके पूछेंगे ना इलेक्शन के बारे में, तो बोलेगा इस बार तो भाई नून लीग आ रही है। क्योंकि इस बार जिस तरह 2018 में पीटीआई को लाया गया, इस बार उसी तरह नून लीग को लाया जा रहा है। वोट नहीं डालेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं डालेंगे पीटीआई को। पीटीआई को सही, वोट ज़मीर का है, जो भी अच्छे काम करेगा। वैसे हमें नहीं लगता कि इस बार जो 5 साल किसने भी दिए ना, किसी ने भी ऐसा आवाम के लिए किसी ने भी काम नहीं किया आज तक। वोट हम किसी को नहीं देंगे। क्यों बट? तो एमकेएम पाकिस्तान ने तो यहाँ पे ढेर लगा दिया काम कर करके। आप हमारी गली आपको तो चलाओ, आपको दिखाऊंगा मैं अपनी कार। मैं 9 नंबर में रहता हूँ। क्या मसला है वहाँ पर? ऐसा अजीब सा लग रहा है, मेरी अभी बेटी की शादी है, तो मगर वो देख रहा हूँ कि वो जगह है ही नहीं सही। खुदाइयाँ कोई कंपनी आती है, वो खुदाइयाँ करके चले जाती है। तो आप एमकेएम से भी मुतमईन नहीं? भाई किसी से भी नहीं है, हम अपने किसी से भी नहीं है। वोट भी नहीं डालेंगे? हाँ भाई डालने नहीं, टाइम ही नहीं है। अच्छा। हम अपने रोजी बच्चों के लिए खिलाऊं? हाँ। ये खा जाए, ये काम करूं, अपने मेहनत करोगे इतना मिलेगा। तो डेफिनेटली इमरान खान को वोट जिसको मर्जी पड़ेगी डाल देंगे बाबा। वोट सर पतंग का? पतंग का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पतंग का वोट है या फिर किसी खास एमपी एमएनए का वोट? नहीं नहीं देखो काम तो देखो करा है आपको, रोड भी दिख भी रहा है माशाल्लाह, साबिल भाई का काम है। और ये जो हमारे जो रोड बना है माशाल्लाह साबिल भाई के तवक्को से बना, वरना तो भाई सब ने मना कर दिया गया था। पीटीआई भाई वो जो आप दिखा रहे हो? जी जी ठीक हो गया मेरे भाई, लगा के रखा पीटीआई। इमरान खान हम देंगे मुत्तेदों को वोट। मैं पीटीआई को वोट डाल, पीटीआई को वोट डालेंगे। सबसे नाराजगी की वजह महंगाई देख लो, हालत देख लो, लाइटें नहीं है, अभी लाइट जाने वाली है, आप टाइम ज़ाया कर रहे हो। मैं आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ? मतलब आप कहने का मतलब ये कि आपका एक एक मिनट कीमती है इस वक्त? इस वक्त कीमती है नहीं भाई, और कोई नहीं है। पीटीआई को डालेंगे और किसी को नहीं डालेंगे? कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास? कोई भी नहीं है। काम तो सारा उन्होंने ही करा, किसी और ने करा ही नहीं है। ये जो थोड़ा हल्की फुल्की जो कुछ नजर आ रहा है ये वो उन्हीं का ही है, बाकी आज तक करा किसने का? कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अभी 8-9 महीने के लिए नजर आए, जाते जाते वक्त में नजर आए। हाँ अभी जाते हैं तो जो करवा जाएंगे काम वही हो जाएगा, उसके बाद काम नहीं होना। किसी को भी नहीं जाया कर दूंगी। जाया करने की कोई वजह? सब पार्टियों से आप इतनी नाला है, परेशान है, उसकी कोई वजह है? नहीं सब देख रहे हैं, सबको पता है क्या वजह है। मैं पीटीआई वोट तो इस बार तो चाह रहे हैं कि किसी को भी ना डाला जाए, जो सूरत हाल है मुल्क की, और सबको वोट डाल के देख चुके हैं, काम तो कोई भी होता नहीं है। पीपल्स पार्टी काफ़ी अरसे से यहाँ पर हुकूमत में है सिंध में, और हम जो है ख़ुद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, लेकिन अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि काम को अगर देखते हैं तो कहीं पर भी काम देखने में नज़र नहीं आता। किसी ने वर्क करके नहीं दिखाया, यूथ के लिए किसी ने कुछ नहीं करा है, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है आवाम के अंदर। बहुत ज़्यादा अभी इस्तराब पाया जाता है इस चीज़ को लेकर। अगर वर्क करके दिखाते, हमें मुतमईन करते या हमसे सही तरह से बातचीत करते। वोट जी जो अच्छा आदमी होगा उसको डालेंगे ना। अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया आपने कि कौन अच्छा है, एमकेएम पाकिस्तान अच्छी है या नून लीग अच्छी है या पीपल्स पार्टी अच्छी है या तहरीक इंसाफ अच्छी है? कोई एक पार्टी आपको समझ नहीं आई अभी तक? नहीं पहले तो सही था, लेकिन अभी जो हालात हो गए ना इसके हिसाब से दिमाग ही नहीं करता कि क्या करें आदमी, दिमाग काम नहीं कर रहा है। पीटीआई को किसको वोट डालेंगे जी? इमरान खान पीटीआई को डालेंगे।
अच्छा, मैंने अभी पूछा था कि साबिर हुसैन कायम खानी साहब का ये हलका है जी जी, यहाँ पर काफ़ी उन्होंने काम कराया सर, लोग कह रहे हैं। तो हमको तो पता नहीं कहाँ काम कराया उन्होंने, हमारी गली देखो तो हमने खुद अपने पैसे से बनवाई है, अपनी गली 7 नंबर की गली हमने अपने पैसे से बनवाई है। वोट किसको डालेंगे? वोट क्यों पाकिस्तान? आप देख रहे हो क्या हालात चल रहे हैं, कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया जब से ये लोग आए 16-18 महीने से। यार वोट इमरान खान को डालेंगे। ईमानदारी से पूछो ना, हम तो किसी को देंगे नहीं, क्योंकि इस मुल्क में जो हो रहा है ना निज़ाम जो बिगड़ा हुआ है ना, वो सियासतदानों ने बिगाड़ा है। किसी पार्टी से कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं, क्या दिलचस्पी होगी यार, एक इमरान खान आया था उसको भी अंदर डाल दिया इन लोगों ने, क्या दिलचस्पी रखेंगे? बहरहाल ये है कि नहीं है, इमरान खान को इंशाल्लाह दे देगा, इमरान खान को दे देगा वहाँ पर। हाँ, यदि नंबर 804 को डालेंगे इंशाल्लाह वोट, जो हक पर होगा। अभी तक लगा कोई ऐसा कि हक पर है? एक बेचारे को देगा था हक पर, एक बेचारे का बेचारा ये मतलब, फिर और किसी को भी? इमरान खान है भाई, इमरान खान देखो या अंदर देखो जिगर के अंदर, वो कहते हैं ना बाहर से तू निकाल देगा मगर दिल के अंदर कौन निकालेगा, या देखो सही इमरान खान अंदर ही पड़ा हो, क्या कर रहे हैं यार, दिल से कौन निकाल देगा? वोट एक ऐसी चीज़ है ना कि वो जाहिर नहीं कर सकता। हाँ, अच्छा, किसी पार्टी से हमदर्दी है कि भाई ये पार्टी मैं दिली तौर पर पसंद करता हूँ इस पार्टी को? नहीं, मैं ये नहीं बता सकता, ये भी बताना नहीं चाहते क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं। जी नाज़रीन, मैं आज मौजूद था लतवी वार्ड नंबर 8 की मार्केट के अंदर, ये शाइन आर्केड और यूसुफ हाइट्स और ये जो उसके साथ एक और प्लाजा है उसके अकब के अंदर, ये सारे एरिया को आज मैंने कवर करने की कोशिश की और आवाम की राय लेने की कोशिश की है कि आवाम शहर हैदराबाद की आवाम किसको जो है वो नुमाइंदा देखना चाहती है, किसको जो है वो वोट कास्ट करना चाहती है, कौन सी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा वोट पड़ेगा शहर हैदराबाद से, ये हैदराबाद का फैसला है। तो नए प्रोग्राम के साथ किसी नई लोकेशन पर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, देखते रहिए जैम्स टीवी।